लालू यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने केंद्र के सामने सरेंडर कर दिया है, लेकिन फिर को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। नीतीश ने केंद्र के सामने सरेंडर किया, ये लालू यादव ने बोला। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। लालू जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, निराशाजनक रहा कि नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं मिलने पर सरेंडर कर गए। लालू जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, निराशाजनक रहा कि नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं मिलने पर सरेंडर कर गए। नीतीश कुमार ने केंद्र के सामने सरेंडर कर दिया है, ले ये लालू यादव ने बोला कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। नीतीश ने केंद्र के सामने सरेंडर कर दिया था, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। तो आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं और इस बार सियासी तीर छोड़ा है लालू प्रसाद यादव ने। लालू प्रसाद यादव को आप देख सकते हैं, जब उनसे सवाल किया गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि नीतीश ने केंद्र के सामने सरेंडर कर दिया और फिर भी बात नहीं बनी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। और इससे पहले भी हमने देखा है कि नीतीश कुमार लंबे समय से ये मांग उठाते आए, लेकिन अब आरजेडी जेडीयू पर हमलावर है। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि लालू यादव ने नीतीश कुमार को लेकर क्या बोला। लालू जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, निराशाजनक रहा कि नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं मिलने पर सरेंडर कर गए। लालू जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, निराशाजनक रहा कि नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं मिलने पर सरेंडर कर गए। तो लालू यादव को आप सुन रहे थे। अब सियासी वार पलटवार एक बार फिर से शुरू हो चुका है, बिहार की सियासत गरमाई हुई है विशेष राज्य के दर्जे को लेकर। इससे पहले भी हमने देखा है कि सियासी घमासान मचता रहा है और इस बार सियासी तीर एक बार फिर से छोड़ा है लालू प्रसाद यादव ने। लालू प्रसाद यादव जब मीडिया से मुखातिब होते हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, तो वो नीतीश कुमार पर हमलावर होते हैं। हालांकि अब नीतीश कुमार इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया देते हैं, लालू यादव के बयान पर क्या जवाब देते हैं, ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जेडीयू उस पर पलटवार कर रही है, तो लगता नहीं है कि यह मामला इतनी जल्दी शांत होने वाला है। और हम देखें कि बिहार में कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, ऐसे में ये मुद्दा एक बार फिर से छाया रहेगा। लेकिन अभी मामला बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने को लेकर के है, जिस पर लालू प्रसाद यादव न सिर्फ नीतीश कुमार को आड़े हाथों ले रहे हैं, बल्कि चुटकी भी ले रहे हैं कि सरेंडर तो कर दिया केंद्र के आगे नीतीश ने, लेकिन फायदा नहीं मिला। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने आरजेडी पर पलटवार किया। नीरज कुमार ने कहा कि आरजेडी और इंडिया गठबंधन अंतर विरोध से जूझ रहे हैं। सच तो यह है कि विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव के मानसून सत्र में लापता होने के कारण सवाल के घेरे में आ गए और जो बिहार को विशेष पैकेज मिला, राहुल गांधी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष सुविधा दी गई और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं झुंझुना मिला है, तो अंतर विरोध से जूझ रहा है राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन। और महिलाओं के सम्मान का जहाँ तक सवाल है, आपको बोलने का अधिकार है। अरे आप तो घर की महिलाओं का सम्मान करते हैं, इसके अलावा तो आपको एहसास भी नहीं है। इससे पहले कल बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान से सियासी हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल बिहार विधानसभा सत्र के समय विपक्ष हंगामा कर रहा था, विपक्षी सदस्यों के हंगामे को देखकर नीतीश कुमार बेहद खफा दिखाई दिए। उन्होंने सदन में आरजेडी की महिला विधायक रेखा देवी पर जमकर हमला बोला। नीतीश ने महिला विधायक पर कुछ नहीं जानने का आरोप लगा दिया। प्रश्नोत्तर काल के बाद ये सवाल उठाइएगा, बैठिए। बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, विशेष राज्य के दर्जे पर सियासी संग्राम, वेल में पहुंचकर विपक्ष ने छेड़ा घमासान।
जो बिहार की सियासत को समझते हैं उनके लिए न ये शोर शराबा नया है और न ही हंगामे की ऐसी तस्वीरें। जाइए अपने स्थान पे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ सारी बातें बता दी है। पुराने मुद्दे पर नई सियासी तकरार की वजह बना है वो स्पेशल पैकेज जिसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को किया था, लेकिन इसी को विपक्ष ने जब मुद्दा बनाया तो नीतीश कुमार भी आक्रामक हो गए और उन्होंने अपने ही अंदाज में विपक्ष को करारा जवाब दिया। सब लोग हाय हाय, सब हाय हाय, सब हाय हाय। विपक्ष का आरोप है कि नीतीश कुमार को ईडी और आईटी से डराया गया। इसी के बाद नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे की मांग से विशेष पैकेज पर आ गए। जिस तरीके से बीजेपी ईडी आईटी को आगे कर करके और नीतीश कुमार जी पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, ये सब बताना चाहिए। ये कोई चुनावी जुमला नहीं है जो आप कह रहे हैं कि लाख करोड़ दे दिए, विशेष पैकेज दे दिए, खुशी मना रहे हैं। नीतीश कुमार जी आखिर क्यों बार बार प्रधानमंत्री जी के सामने हाथ पैर जोड़ते हैं और कहते हैं कि हमको बहुत खुशी होगा, बहुत खुशी होगा मेरा अगर कम्मा कर दीजिएगा तो। आखिर कौन सा उकम्मा है? आखिर किस काम के लिए वो लगातार गिड़गिड़ा रहे हैं और उनका काम नहीं हो रहा है? बताना चाहिए, बिहार के लोग जानना चाहते हैं। केंद्रीय बजट में बिहारे में बाहर, और ये बिहारे में बाहर हम नहीं बोल रहे हैं, पूरे देश में जो अखबार छपने का हेडिंग है कि केंद्रीय बजट में बिहारे में बाहर, निश्चित रूप से बिहारे में बाहर है। उन लोग को दिखाई नहीं पड़ेगा, लालटन लेके घूम रहे हैं। लालटन का युग समाप्त हो गया, अब मोदी जी ने LED दिया है और 21,000 करोड़ रुपया भागलपुर पिपैती में बिजली का प्रोजेक्ट चकाचौंध होने के लिए, तो लालटन वाले को ऐसा दिखाई पड़ेगा। इसी बीच जब बिहार विधानसभा में हंगामा हो रहा था, अचानक विपक्ष की महिला विधायक भी वेल में आ गई, जिससे नीतीश कुमार इस कदर नाराज हुए कि उन्हें महिला विधायक के सामने अतीत को याद करवाना पड़ा। सब लोगों ने सपोर्ट किया और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को, अरे अरे बोल रही है कहां से आते इन लोगों के साथ जो है, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद ना महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो फालतू। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। वार पलटवार की। चंद्रमोहन हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। चंद्रमोहन, सियासी हंगामा तो मचा हुआ है, लालू के सियासी वार पर क्या नीतीश कुमार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई है? बिल्कुल, देखिए लालू यादव के बयान पर अब तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बिहार को JDU के तरफ से और NDA के तरफ से ये कहा जा रहा है कि बिहार को जब से बजट में मदद मिली है और बिहार के विकास के लिए जो भी वहां से ऐलान किया गया है उसके बाद विपक्ष के लोग तिलमिलाए हुए हैं, और यही वजह है कि कभी RJD के तो कभी कांग्रेस के तो कभी माले के लोग बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हालाँकि जो केंद्र सरकार की ओर से ऐलान किया गया है उसको लेकर जो सत्ता पक्ष में लोग हैं, इनका साफ तौर पर यह मानना है कि इससे बिहार का विकास होगा, और पिछले कई सालों से जिसकी मांग होती रही है, विशेष राज्य के दर्जे की मांग केंद्र सरकार से स्टेट गवर्नमेंट करती रही है, लेकिन वो नहीं मिला, लेकिन ये विशेष सहायता के तौर पर बहुत कुछ बिहार को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। यही वजह है कि अब जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो सीधे तौर पर नीतीश सरकार पर और केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं।